Shahbaz here, your online teacher. Welcome to you, Shahbaz Fast English YouTube channel. And I should like to request you all to subscribe my YouTube channel, Shahbaz Fast English. And these days I have been uploading for you the grammar topics and all things, important things for you. And now, today's topic is गाइज अब मैं आपके सामने एडवांस्ड वर्ब्स के बारे में बात करना चाहता हूँ. आप वर्ब्स के बारे में तो जानते ही हैं कि वर्ब्स जो है एक एक्शन वर्ड को बोलते हैं, एक्शन वर्ड को वर्ब बोलते हैं, या स्टेट वर्ड को बोलते हैं. जिस वर्ड से किसी काम का पता चले, किसी चीज़ के होने का पता चले, वर्ब शोज एक्शन, पजेशन, रिलेशन, अथॉरिटी एंड स्टेट. आप इस बात से परिचित हैं. तो वर्ब जो है, वर्ब का कई प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है जो कि हम लोग वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे. मैं आपके पास एक नो एडवांस्ड वर्ब्स लेकर आया हूँ. एडवांस्ड वर्ब बोलते हैं एक बेसिक वर्ब है जो आम बोलचाल की भाषा में कॉमनर्स के लिए जो इस्तेमाल होता है. और एडवांस्ड वर्ब बोलेंगे ऐसे वर्ब जो इंटेलेक्चुअल्स और स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलने वाले लोग जो कि इंटेलेक्चुअल होते हैं वो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एडवांस्ड वर्ब्स. यह एडमानिश, ये वर्ड है ADMONISH. एडमानिश मीन्स डांटना. माई ग्रैनी मेरी नानी या दादी एडमानिश्ड मी व्हेन I was making a noise during her worship. My granny admonished me when I was making a noise during her worship. मेरी दादी ने या नानी ने मुझे डांटा जब मैं हल्ला कर रहा था, जब वो इबादत कर रही थी, पूजा कर रही थी या नमाज पढ़ रही थी. My granny admonished me when I was making a noise during her worship. दूसरा इंटरेस्टिंग वर्ड है बमोन BEMON बमोन, दुख जताना, शोक व्यक्त करना. अब इसे सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? We bemoan the assassination of Mahatma Gandhi. क्या अर्थ हुआ? We bemoan the assassination of Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी उसके प्रति हम लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं. और आपको दोस्तों ये पता होगा, असेसिनेशन कहते हैं कि ऐसे किलिंग को जिसमें टॉप लीडर्स या किसी देश के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बैनुल अक्वामी स्तर पर जो बड़ी पर्सनैलिटी होती है, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सपोज कीजिए कि अब्राहम लिंकन या कोई भी बड़ा नेता, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कोई भी जो बड़े लोग होते हैं जिसे इंटरनेशनल फिगर कहते हैं, जिसे सारे लोग जानते हैं, उसको जब कोई मार देता है, उसकी हत्या करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं असेसिनेशन. और जो उसकी हत्या करते हैं उसको बोलते हैं असेसिन. सो दिस वर्ड इज माय चॉइस. वी बमोन द असेसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी. वी बमोन दैट खलील डाइड सो यंग यस्टरडे. सो बमोन, दुख जताना, अफसोस जाहिर करना. कंपेल, थर्ड वर्ड इज कंपेल, COMPEL. कंपेल मीन्स मजबूर करना. आप मुझे इस काम को करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. You can compel me to work for you. Compel me to work for you. आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते हैं अपने को वोट डालने के लिए.
आप मुझे ये नहीं कह सकते कि तुम्हें मुझे वोट डालना ही पड़ेगा। यू कैंट कंपेल मी टू वोट फॉर यू। अब इसको कंपेल नहीं पढ़ेंगे, कंपेल पढ़ेंगे। प्रोनंसिएशन का भी आप ध्यान रखें, एडमानिश डांटना, बमोन दुख जताना, कंपेल मजबूर करना। यू कैन कंपेल मी टू वोट फॉर यू, यू कैन कंपेल मी नॉट टू वोट फॉर बीजेपी। मैं बीजेपी को वोट डालना चाहता हूँ, आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते हैं कि मैं उसे वोट न डालूँ। और यू कैन कंपेल मी टू लव या, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते हैं कि मैं आपसे प्रेम करूँ। कंपेल। एम्बेजल, वेरी गुड वर्ड। एम्बेजल इज़ अ वेरी फेमस वर्ड दीज डेज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। लॉट्स ऑफ एम्बेजलमेंट जस्ट कमिंग आउट डे बाई डे, स्पेशली द लीडर्स एंड सम कॉरपोरेट हाउस मेम्बर्स, अथॉरिटीज आर फाउंड गिल्टी दीज डेज एंड दे आर अरेस्टेड। सम हैक्टिक ऑपरेशन गोइंग ऑन इन इंडिया स्पेशली, उसे हम एम्बेजल करना कहते हैं, घोटाला करना। जैसे कि लालू यादव का चारा घोटाला बहुत मशहूर है, फॉर्डर स्कैम। तो घोटाला करना मतलब किसी सिस्टम में इरेगुलर प्रैक्टिस करके कुछ कर लेना, तो हम लोग कहते हैं एम्बेजल। सो पी चिदम्बरम, पी सी, वॉज अरेस्टेड बिकॉज he has reportedly embezzled, embezzled in INX। क्या हुआ? पी चिदम्बरम साहब को अरेस्ट किया गया क्योंकि ये माना जाता है कि उन्होंने INX में घोटाला किया था, embezzled। और इससे एक नाउन बन जाएगा embezzlement, घोटाला। एम्बेजल मीन्स घोटाला करना और एम्बेजलमेंट मीन्स घोटाला, नाउन हो जाएगा। बहुत ही अच्छे वर्ड्स मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग दीज वर्ड्स आर एडवांस्ड वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स आर यूज्ड बाय द एडवांस्ड पीपल। द नॉलेज इज बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड। मैं दोस्तों को बतला देना चाह रहा हूँ, खास करके हिंदी भाषी विद्यार्थियों को, कि हम लोग जो मेरी जो नॉलेज होती है किसी चीज़ की, एक बेसिक नॉलेज होती है, जो प्राथमिक ज्ञान, जो बुनियादी हमारी जानकारी होती है। एक होता है इंटरमीडिएट, न बुनियादी न बहुत ज़्यादा एडवांस्ड, उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, इनरमीडिएट। और थर्ड वन इज एडवांस्ड, मीन्स बिल्कुल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा आगे का नॉलेज, उसको बोलते हैं एडवांस्ड वर्ड्स। अब एक वर्ड आया है एक्सटॉल, एक्सटॉल, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना। किसी की जब हम बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं तो हम कहते हैं कि एक्सटोल करते हैं। तो हम लोग कहते हैं एवरीबडी इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द वर्ल्ड एक्सटोल हिज सन और डॉटर। दुनिया में हर कोई अपने बेटा या बेटी को अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, लगभग, ऑलमोस्ट मैंने कहा है, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी टेंड टू एक्सटॉल हिज सन और डॉटर। लोग अपने माँ बाप जो है अपने बेटा बेटे की अत्यधिक तारीफ कर लेते हैं। प्लीज़ डोंट एक्सटॉल। हम कह सकते हैं अगर कोई अपने किसी बात की बहुत तारीफ कर रहा है कि मैं बहुत, मुझे अंग्रेज़ी आती है, या मुझे बहुत मैथ आता है, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं बहुत बड़ा रिच हूँ, तो कोई कह सकता है प्लीज़ प्लीज़ डोंट एक्सटॉल, डोंट एक्सटॉल, यू आर एक्सटॉलिंग योर सेल्फ। और ये है एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है इम्प्यून, इम्प्यून, IMPUGN, इम्प्यून। इम्प्यून मीन्स शक करना, किसी पर डाउट करना। हेलो 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 हेलो, यू कैंट इम्प्यून माई कैरेक्टर, यू कैंट इम्प्यून माई कैरेक्टर, इम्प्यून माई इंटीग्रिटी, यू कैन से इंटीग्रिटी। सुनिए, दैट इज हेलो हेलो। हम लोग किसी को हम कहते हैं सुनिए कहने के लिए, बोलते हैं हेलो हेलो, यू कैंट इम्प्यून माई इंटीग्रिटी, आप मेरे ईमानदारी पर, मेरे सिंसेरिटी पर आप शक नहीं कर सकते हैं। आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, आई हैव नथिंग टू डू विद एनीथिंग रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट।
So please don't impugn my character, don't impugn my integrity, my honesty, my sincerity towards the nation building. राष्ट्रीय निर्माण में मेरी जो ईमानदारी है इसे आप शक कभी न करें, बिकॉज आई एम अ लवर ऑफ माई नेशन. और उसके बाद है प्लकेट. प्लकेट करते हैं फुसलाना को. सपोज कीजिए कि आपकी वाइफ आपसे बहुत नाराज़ है और आप जब घर ऑफिस से आते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत नाराज़ है, तो आपके दिमाग में बात आती है, अरे मैं उसको तो प्लकेट कर लूँगा, उसे मैं बहला लूँगा, फुसला लूँगा, मना लूँगा. सपोज करे कि मैं कोई भी ए बी और सी कम्स फ्रॉम ऑफिस एंड ही फील्स दैट हिज वाइफ इज़ एंग्री और लिविड विद हिम, सो ही टेक्स आउट सम टॉफी फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गिव्स इट टू हिज वाइफ इन ऑर्डर टू प्लकेट हर. हम कहेंगे कि डोंट माइंड, डोंट माइंड, डोंट माइंड, डोंट माइंड, आई'ल प्लकेट प्लकेट माई वाइफ वाइफ इफ सी इज लिविड नाउ. हम कहेंगे किसी से, अरे अरे आप चिंता मत करें, मैं अपनी वाइफ को प्लकेट कर लूँगा, बहला लूँगा, फुसला लूँगा अगर वो गुस्से में अभी है. हम कहेंगे कि सपोज एक जाकिर सर हैं हमारे स्कूल के डायरेक्टर और वो नाराज़ हैं किसी बच्चे से, बहुत ज़्यादा नसीक से, कि स्कूल क्यों वो डंप कर रहा है, तो मैं नसीक को कहूँगा, ओ नसीक डोंट माइंड, आई विल ट्राई टू प्लकेट जाकिर सर, मैं उसको बहला लूँगा, मना लूँगा, यू डोंट माइंड. और एक वर्ड है रिप्यूडिएट. रिप्यूडिएट, रिप्यूडिएट, नकारना, किसी बात को रिजेक्ट करना. आप पर किसी पर चार्ज लगा रहे हैं और आप उसे रिप्यूडिएट रिप्यूडिएट करते हैं, रिप्यूडिएट करते हैं तो मतलब आप नकार रहे हैं. सो आई स्ट्रांगली रिप्यूडिएट, आई स्ट्रांगली रिप्यूडिएट द चार्जेज अगेंस्ट मी, अगेंस्ट मी. आपने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं मैं उसको पूरी मजबूती से उसको नकारता हूँ. आई स्ट्रांगली रिप्यूडिएट द चार्जेस अगेंस्ट मी. आई रिप्यूडिएट दैट आई हैव एम्बेजल एनीथिंग. सो रिप्यूडिएट, नकारना, रिजेक्ट, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है रिप्यूडिएट. और एडवोकेट थर्ड वन है, ये नाइन्थ वन, लास्ट वन, एडवोकेट. इसको लोग बोलते हैं एडवोकेट, कुछ लोग बोलते हैं, बट दिस इज एडवोकेट. एडवोकेट मीन्स समर्थन करना, समर्थन करना, किसी बात को सपोर्ट करना. सो हम लोग एडवोकेट को कैसे समझेंगे. सपोज कीजिए कि GST जब लगाया गया था इंडिया में मोदी जी के गवर्नमेंट के द्वारा, तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में थे, कुछ लोग उसके विरोध में थे. तो हम कैसे कहेंगे, आई टोटली एडवोकेट, एडवोकेट द आइडिया ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इम्प्लीमेंटिंग GST. People advocate, people advocate that they should not be compelled to forgo traditions. पीपल इस बात का समर्थन करते हैं कि उन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता है कि अपनी परंपरा को, अपने रस्म रिवाज को रोके. आई टोटली एडवोकेट द आइडिया ऑफ इम्प्लीमेंटिंग GST. GST को लागू करने का जो आइडिया है मैं उसको पूरी तरह से समर्थन करता हूँ. दैट दोज वेर द 9 एडवांस्ड वर्ब्स
And that's it. Thank you. Ciao.